हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं उसके प्रोसेस और मैं हूं उस फ्रेंड। आज बात कर रहे हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में, और ये जो नई वैकेंसी आई है ये आई है गुजरात टूरिज्म के तरफ से। जी हां फ्रेंड, ये नई वैकेंसी अप्रेंटिस पदों के लिए निकाली गई है। तो आप देख सकते हो ये फॉर्म का पेज मैंने खोल के रखा हुआ है। तो इस फॉर्म को कैसे भरना है तो मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर टोटल 26 अप्रेंटिस पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और इसकी वैकेंसी डिटेल क्या है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है। तो चलिए जान लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं वैकेंसी डिटेल, और ये ट्रेड अप्रेंटिस क्लब देख सकते होंगे वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल किस प्रकार से है। तो यहाँ पे लोकेशन, नंबर ऑफ पोस्ट और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन भी बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो PR एंड पब्लिसिटी की बात कर ले तो यहाँ पर कुल एक पोस्ट है, और ये HO गांधीनगर में आपको पोस्टिंग दिया जाएगा, जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन डिग्री मांगी गई है वो डिग्री या डिप्लोमा आपका होना चाहिए मास कम्युनिकेशन में या मीडिया में या जर्नलिज्म में, तो ये होना चाहिए। दूसरे नंबर की बात तो HRN एडमिट लोकेशन में आपको दिया जाएगा, जिसमें कि दो पोस्ट खाली है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास BA, BBA या BCOM होना चाहिए। HRN एडमिट रजिस्ट्री लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे एक पोस्ट खाली है, और यहाँ के लिए जो क्वालिफिकेशन वो सेम रखा गया है। और लैंड और लीगल की लोकेशन की बात कर ले तो यहाँ भी एक पोस्ट खाली, और इसके लिए आपके पास LLB के रूप में आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और साथ में मार्केटिंग लोकेशन में मैं अगर बात कर ले तो एक पोस्ट यहाँ भी है, जिसके लिए आपके पास BBA का आपके पास मार्केटिंग का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ में बजट की बात कर ले तो बजट लोकेशन में एक पोस्ट है, तो यहाँ पे आपके पास BCOM, BBA अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के रूप में होना चाहिए। और CS लोकेशन की बात कर ले तो एक पोस्ट यहाँ भी है, और यहाँ पे भी आपको क्वालिफिकेशन BCOM मांगा गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरे लोकेशन की, जो कि है TIB TRC यूनिट ऑल गुजरात में, पूरे गुजरात की बात कर लो ओवरऑल। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि TIB राजकोट, TRC एयरपोर्ट जामनगर में, TIB HK हाउस अहमदाबाद में, TRC ST डिपोर्ट रैनिप में, तो इन सारे जगह एक एक पोस्ट खाली है, और जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो डिग्री या डिप्लोमा आपका होना चाहिए ट्रैवल एंड टूरिज्म के रूप में। अब यहाँ पे 12वें नंबर से बात कर ले तो TRC एयरपोर्ट अहमदाबाद और TRC लॉ गार्डन में दो दो पोस्ट खाली है, और क्वालिफिकेशन सेम डिग्री या डिप्लोमा आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 14 नंबर से, तो TIB बड़ोदरा, TRC सूरत, यूनिट पलिताना और यूनिट सपूतरा, यूनिट द्वारका, यूनिट जूनागढ़, इन सारे में एक एक पोस्ट है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 16 नंबर से, जहाँ फ्रेंड आप 16 नंबर से देख सकते हैं, यूनिट पलिताना से लेकर के आपको यूनिट पावागढ़, जिसमें कि पोरबंदर और जूनागढ़, नारायण सरोवर, इन सारी जगह एक एक पोस्ट खाली है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन जो वो आपके पास अगर ITI भी है तो आप भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और डिप्लोमा आपके पास हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर होटल मैनेजमेंट में है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन में भी आप अगर है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 26 पोस्ट खाली है फ्रेंड। तो 26 अप्रेंटिस पदों के लिए यहाँ पे सीधी भर्ती निकाली गई है। इसको कैसे भरना है तो मैं आगे इस वीडियो में बात करूंगा। मैं आपको बता दूं कि 19 जुलाई से इस फॉर्म को भरना स्टार्ट हो चुका है दोपहर 2 बजे से, और इसकी लास्ट डेट है 2 अगस्त टिल 12 AM, यानी कि 2 अगस्त की बात कर लें दोपहर 12 बजे तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसका लिंक मैं कोशिश करूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूं, तो आप एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लेना, और आप वहां से डायरेक्ट जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को जो है वो आपको कैसे फिल करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप देख सकते होंगे फ्रेंड, ये पेज मैंने ओपन करके रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर भी जा करके यहाँ पर आप सर्च करना है आपको, तो यहाँ पे जाना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा कि दे दूँ, तो आप वहाँ से डायरेक्ट चले जाना यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे फॉर्म खुला हुआ है, तो आपको यहाँ पर सारा डिटेल देना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल देना है, जिसमें आपको कैंडिडेट टाइप, डेट ऑफ बर्थ देना है DDMMY के फॉर्मेट में, और फिर उसके बाद नेम करना है, नेम देना है, फिर जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर फादर एंड गार्जियन नेम यहाँ पे फिल करना है। तो कैसे फिल करना है, यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक कर देना है हर एक बॉक्स में, तो आपको यहाँ पे सारा दिखा देगा। तो कैंडिडेट
टाइप आपको यहाँ पे लोकेशन जो वो सिलेक्ट करना होगा, तो इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, नेम, जेंडर एंड फादर नेम या गार्जियन नेम आपको यहाँ फिल करना है, मदर नेम फिल करना है, तो ये सारे मैंडेटरी आपको फिल करना ही होगा। और यहाँ पे आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, जो कि मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी के तौर पर है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको फिल करना है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। स्पाउज नेम भी आपको स्किप कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो कि ज़रूरी है। उसके बाद आपको पीडब्ल्यूडी से अगर आते हैं तो यस, नहीं तो नो करना है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ फिल करना है, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा कुछ आपको फिल कर लेना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है, जिसमें कि आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन बताना है, यानी कि 10th, 12th या डिग्री वाला जो है वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अटैच करना है, जो कि JPG और PDF के रूप में ही होना चाहिए, जो 200 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आगे जो है वो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो कि आपका जिस भी रूप में है, यानी IIT के रूप में, तो वो आपको यहाँ पे बताना होगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिखना होगा, नेम ऑफ काउंसिल यूनिवर्सिटी लिखना होगा, नेम ऑफ ट्रेड या कोर्स लिखना होगा, कोर्स स्टार्ट डेट भी आपको यहाँ बताना होगा, कोर्स एंड डेट भी आपको यहाँ पे बताना होगा, ये सारे आपको बताना ही होगा, ज़रूरी है। उसके बाद आपको अपलोड करना है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि 200 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ये PNG, JPEG, JPJ फॉर्मेट में हो सकता है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना है, फिर डिक्लेरेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सबमिट कर देना है। यहाँ पे डेट आप देख सकते होंगे, आज 19 जुलाई, इसलिए 19 जुलाई है, अगर आप जिस भी डेट में है तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, या फिर खुद पे लिखा आएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, इस सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका सक्सेसफुली यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन जो वो दे दिया जाएगा। तो बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि जो लोग भी अप्रेंटिसशिप का इंतजार कर रहे थे या फिर वो टूरिज्म में जाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आसानी से जा सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा अवसर उन्हें मिला है। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अप्रेंटिस से जितने भी जुड़ी हुई वैकेंसी होता है वो मैं सारा अपने चैनल पर बताता रहता हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपको ही फायदा रहे। तो और सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।